हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये गाड़ी है लैगजीज LS 430, लैगजीज 430। कस्टमर की कंप्लेंट है इसकी जो एसी है वो वर्क नहीं कर रही है, और गाड़ी ये किसी ने पहले खोल भी रखी है, मेरे पास आई है अभी ये 3-4 घंटे पहले। ये देखो, आप लोग देख सकते हो सब कुछ खोल रखी है, इसके सामान बड़ा हुआ बंदे का, इसमें जिसने इसमें काम किया है। ठीक है, तो इसकी इसी में फॉल्ट है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। कस्टमर बोल रहा है कि इसकी जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका स्टीरियो चेंज कर रखा है किसी ने, ये चलता है भाई ऐसे, ये रहा, ये एसी आ गई है यहाँ। हम इसको ऑटो ही कर देते हैं, मैंने इसको देखो ऑटो कर दिया है, एसी ऑन हो गई है। अब मैं बाहर जाकर देखता हूँ इसका कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हो इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी भाई ने पहले काम भी किया है, इसका एक कवर भी नहीं है गाड़ी का। ठीक है, मैं ज़रा गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी मैंने बंद कर दी है। इसमें किसी ने वायर वगैरह भी लगा रखे हैं, इसने काम किया गाड़ी में। अब इसमें कवर नहीं है, इसकी जो रिले है कंप्रेसर रिले शायद ये वाली है, एक बार चेक कर लेते हैं हम निकाल के। क्यों नहीं चल रहा है रिले? तो वैसे देखने में सही लग रही है, एक बार चेक करते हैं। मैं ज़रा वो लेंगे टेस्ट उठा के और चेक करता हूँ। वैसे मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि इसकी यही है क्या रिले, एक बार चाबी ऑन करता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में चाबी ऑन करने रहता है प्लस। एक बार चाबी ऑन कर लेता हूँ, एक मान चाहिए यहाँ प्लस, माइनस आ रहा है, ये बैटरी सारा डायरेक्ट फ्यूज हो, इसका एक फ्यूज़ है, ये बार क्लच की है, मैं प्लस दूंगा तो क्लच चलना चाहिए, यानी टिक टिक करना चाहिए। अभी दिखाता हूँ आपको अभी, हाँ देखो ये रिले है। अब इसका वोल्टेज चेक करते हैं, इसमें आना चाहिए प्लस, यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये वायर सिग्नल की। अब देखते हैं कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस सिग्नल चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट करके, और एसी इसको यहाँ लगा देते हैं। निकल गया, चलो हम गाड़ी स्टार्ट करके इसकी एसी ऑन करते हैं और देखते हैं कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी वीडियो रोक देता हूँ मैं, क्योंकि ये ऑन होने वाला टाइम लेता है। देखो ऑन हो गया है, ये करा और हमने ऑटो कर देते हैं, ये देखो आप एसी ऑन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हो इसमें सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, ये सिग्नल कहाँ से आता है इंसान को ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस गाड़ी में सिग्नल आता है ECM से, बहुत सी गाड़ी में ये सिग्नल आता है अंदर से कंट्रोल क्लाइमेट सिस्टम से, यह अलग से कंट्रोल लगा रहता है राइट साइड में, वहाँ से आता है। अगर इंसान को ये पता है, जो बंदा ये काम करता है उसको ये पता है कि एक सिग्नल कहाँ से आता है, तो वो बहुत इजी इसका फॉल्ट टेस्ट कर सकता है। अब मुझे पता है इसका ये जो ये है सिग्नल, ये आता है ECM से, इसका ECM यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक इसकी चेक करूँगा कम्युनिकेशन, अगर ओके है तो इसके ECM में फॉल्ट है। ठीक है, ये इस गाड़ी का ECM, मैंने ECM खोल लिया इसका। ठीक है, जब
जब आप दूसरा कंप्यूटर लाओगे, दूसरा एसीएम लाओगे, तो ये नंबर एफ ई और ये नंबर सेम होने चाहिए गाड़ी के, ठीक है, कंप्यूटर के। ये तो यार दो मॉडल गाड़ी है, इसके ये चीज़ें हैं, नंबर है एसीएम के सेम होने चाहिए। अभी मैं दूसरा कंप्यूटर ला कर आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो पूरी देखे, मैं आप लोगों को बताऊँगा वीडियो में इसका प्रोग्राम कैसे करते हैं। कंप्यूटर मैंने इसका चेंज कर दिया है, ठीक है, अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। पुराना कंप्यूटर ये है इसका, आप लोग देख सकते हो उसकी एसी ऑन हो गई है, ठीक है, कंप्यूटर चल रहा है, देख रहे हो आप लोग कंप्यूटर ऑन हो गया है। इसके पीसी में प्रॉब्लम थी, ये सिग्नल नहीं, ये जो रिले लगी हुई है, ये रिले सिग्नल नहीं भेज रही थी ईसीएम को, या ईसीएम में सिग्नल नहीं आ रहा था, यहाँ एक ही बात है, कोई सी बात मान लो, ठीक है, तो उसका ईसीएम ख़राब था। अब मैं आपको बताता हूँ उसका प्रोग्राम कैसे होता है, ध्यान से देखना। ये IC900 लगी हुई, ये IC है इमोबिलाइजर की, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अच्छे से, ये वाली IC है वो, ठीक है। तो मैंने ये इस कंप्यूटर की उस कंप्यूटर में लगा दी है IC900, ये जो IC है ये इमोबिलाइजर की है, ठीक है, इसकी वजह से अगर आप ये चेंज नहीं करोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसका प्रोग्राम इस तरीके से होता है, आपको IC चेंज करनी पड़ती है, ये IC है इमोबिलाइजर IC, यहाँ से देख लो ये नंबर लिखा हुआ है और IC900, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, ये इसका प्रोग्राम इस तरीके से होता है। यानी जो उसका कंप्यूटर था ओरिजिनल, उसकी मैंने IC उस कंप्यूटर में लगाया जो मैं कंप्यूटर लेकर आया हूँ, ठीक है, ये IC प्रोग्राम की है, कभी आप सोचो कि ये IC AC की है, नहीं, ये IC प्रोग्राम की है, ठीक है फ्रेंड्स।